रुपए की योजना का यहाँ से खलीलाबाद से बहराइच की रेल लाइन का शिलान्यास हुआ कि नहीं? अखबारों में आप लोगों ने पढ़ा होगा, यहाँ तमाम भाई यहाँ पर एक डिसमिल जमीन रेलवे अगर खरीदी हो तो हम उस ये मान लेंगे कि वो उनकी योजना लागू हो जाएगी। एक डिसमिल जमीन नहीं खरीदे, सरकारी पैसे से सरकारी व्यवस्था पर उन्होंने शिलान्यास किया और हमारा कम से कम 20-25 लाख रुपया उस शिलान्यास में खर्च हुआ होगा कि नहीं? पानी में चला गया। और हम लोग भी, हमारे कई लोग आए थे यहाँ पर, ताली बजाए, लोगों ने कहा भैया हम जाते हैं गांव में, पूछते हैं लोग कि रेल लाइनियां बनी कि नहीं बनी, जमीन का अधिग्रहण होगा कि नहीं? हमने कहा जब जमीन का अधिग्रहण होगा तब तो रेल लाइन बनेगी। यहाँ बंधे का अधिग्रहण होता है, जमीन का अधिग्रहण होता है, मुआवजा नहीं मिलता है हमारे भाइयों को। सड़कें जो पुरानी बनी हुई है, चाहे बाघ नगर से लेकर के आपके कर्मनी घाट तक, चाहे यहाँ से लेकर धनगढ़ा तक है मेहदावल का पक्का, जितने आपकी सिकरीगंज से लेकर के खजनी तक जो सड़कें बनी है, जितनी सड़कें बनी है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत भी 5 साल में एक भी सड़क का क्या शिलान्यास हुआ है? वो पुराना पैसा खर्च हो गया है जो पुरानी सरकार में स्वीकृत था। और ये कहते हैं कि अपने पीठ थपथपाते हैं कि हमने काम कर दिया। यही बिरहर घाट का पुल है और कमरिया घाट का, जिसकी लागत थी 90 करोड़ रुपया जब स्वीकृत हुआ था, और आज उसकी लागत हो गई 130 करोड़ रुपया। कितना अंतर है? 40 करोड़। अभी पुल बन के तैयार नहीं है। हम लोगों की आपस में रिश्तेदारी है अम्बेडकर नगर जिले में और गोरखपुर जिले में, संत कबीर नगर जिले में तमाम रिश्तेदारियाँ इस पार से उस पार है, आने जाने में सुविधा होती। जब शिलान्यास हमने किया था तो हमने अम्बेडकर नगर के लोगों से कहा था कि भाई अब रिश्तेदारी हम लोगों की और प्रगाढ़ हो जाएगी। लेकिन 4-5 साल हो गया वो पुल बन करके अभी नहीं तैयार होगा। हमको लगता है जब पुल बन करके तैयार होगा तो उसकी लागत 150 करोड़ रुपये हो जाएगी। और ये 60 करोड़ रुपया यहाँ के लोगों का पैसा, गाड़ी कमाई का पैसा अगर यहाँ खर्च हो गया होता तो हमारे जनपद पे कुछ फर्क पड़ता कि नहीं पड़ता? और तमाम ऐसी चीजें हैं जिनकी हमको आवश्यकता है। सबसे बड़ी अहमियत देखिए हमारे नौजवानों की, हमारे नौजवानों के मुरझाए चेहरे आप बताइए। माँ बाप पेट काट के अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनाते हैं, इसमें बताइए हाथ उठा के कोई बाप बता दे कि PhD करने के बाद, MA BA करने के बाद कोई बाप अपने बेटे से कहेगा कि पकौड़ी छानो? कोई कहेगा? आज ये कह रहे हैं कि पढ़े लिखे जो नौजवानों से पकौड़ी खाओ, ये भी रोजगार है। अरे भाई जितने एक भी परियोजना बिजली की, यहाँ पत्रकार भाई बैठे हैं, नोट करिए, पिछले 5 साल में एक भी परियोजना बिजली की, 1 मेगावाट की बात मैं कर रहा हूँ, का शिलान्यास नहीं हुआ। बनने की बात छोड़ दीजिए, 12 कक्षणा आपका ये परीक्षा और पन की, ये 4 विद्युत परियोजनाएं बहन कुमारी मायावती जी थी, केंद्र सरकार का सहयोग नहीं मिला और तमाम प्राइवेट जो ये व्यापारी थे उनके पैसे से, जैसे जयप्रकाश थे, एसआर थे, इन लोगों के पैसे से वो आज वो बिजली का जनरेशन शुरू हो गया है। लेकिन उस समय शुरुआत हुई थी उनकी नियत थी काम करने की, और बिजली का एग्रीमेंट भी हुआ था। 5 सालों में उत्तर प्रदेश में आप बताइए एक भी परियोजना की स्वीकृत हुई है। किसानों को ये कह रहे हैं कि हम किसानों को खुशहाल कर देंगे 2024 में। अरे 2000